बिना डॉक्टर बिना लाइसेंस सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कब होगा सील? शक्ति स्वास्थ्य अनुविभाग के अंतर्गत झोला छाप डॉक्टरों की गांव गांव में भरमार से संबंधित समाचार दिसंबर 2019 में सुर्खियों में था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति के बीएमओ अनिल चौधरी को झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक से पैसे लेकर संचालित कराए जाने का आरोप लगा रहे थे। इसके बाद भी उनके द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति के 200 मीटर दूरी पर शक्ति शहर में इसी वर्ष बसंत पंचमी से स्पर्श हॉस्पिटल करोड़ों रुपए की लागत से बनकर अवैध रूप से संचालित कराए जाने के आरोप बीएमओ अनिल चौधरी पर लग रहे हैं, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को होने पर उनके द्वारा बीएमओ शक्ति को अनुविभागीय अधिकारी शक्ति तहसीलदार एवं पुलिस के माध्यम से स्पर्श हॉस्पिटल को सील किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसे भी छिपाकर अनिल चौधरी के द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल को अवैध रूप से चलवाया जा रहा है। पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं होना कहा जाता है। बता दें कि शक्ति हरेटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्पर्श हॉस्पिटल जनवरी 2020 से संचालित है, जिसकी डायरेक्टर श्यामचरण साहू, शिवानंद साहू, नारायण साहू छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक के अंतर्गत बीएमएस के पंजीकृत वैद्य हैं, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम या छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सक नहीं है। इनके द्वारा भागीदारी फर्म बनवा कर किराए के मकान पर करोड़ों रुपए की लागत से उपचर्या गृह नर्सिंग होम, जहां सर्जरी सहित प्रसूति कार्य का संचालन, बीमारी के उपचार के लिए अंतः रोगी के रूप में एडमिशन, भर्ती के लिए अंतः रोगी सुविधाओं के साथ मरीजों का उपचार किया जाता है, महिलाओं के गर्भ की चिकित्सा, सर्जेरियन ऑपरेशन, रात्रिकालीन अंततः रोज सुविधाएं के लिए प्रवेश तथा स्नान दिया जाता है, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर भी संचालित की जा रही है। इस हॉस्पिटल में कोई भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, मीट वाइफ, नर्स इत्यादि नहीं है। स्पर्श हॉस्पिटल के पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, जिस कारण से यह हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह तथा रोग उपचार संबंधित स्थापना अनुविज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं रखता। स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति के बीएमओ अनिल चौधरी के साथ साठगांठ कर बिना अनुविज्ञापन लाइसेंस प्राप्त किए कई महीनों से हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से होने पर सील किए जाने के निर्देश भी हो चुके हैं। इसी कारण से क्लिनिक नर्सिंग होम की स्थापना संबंधी अनुज्ञा पत्र चस्पा नहीं की गई, जिसकी जानकारी अनिल चौधरी को है। उन्हें वो कार्रवाई करें। जी जी, साथ में उनकी टीम है, एसडीएम जी शक्ति है ना? जी सर हाँ, और एसडीओपी, एसडीएम और बीएमओ जी सर, ये इनकी टीम बनी हुई है जी। ये लोग उसमें कार्रवाई करें, यदि इलीगल रूप से वो चलाए जा रहे हैं अस्पताल को, तो उन्हें बंद कराएं, सील करें। स्पर्श हॉस्पिटल के नाम पर अपात्र डॉक्टरों द्वारा मिडवाइफ नर्स के द्वारा रोगों के उपचार के लिए आने वाले व्यक्तियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थिति यह है कि डॉक्टरों को नीडल तथा ऑक्सीजन लगाना भी नहीं आ रहा। कुछ दिनों पूर्व सांस की समस्या के एक रोगी को लाए जाने पर ऑक्सीजन लगाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बीएमओ अनिल चौधरी के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों को पैसे लेकर संरक्षण दिए जाने के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। अब अवैध हॉस्पिटल को रकम लेकर संचालित कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के पश्चात भी उनके द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना आरोपों की पुष्टि करता है। यह भी ज्ञात हुआ है कि शासकीय हॉस्पिटल में प्रसूति सुविधा हेतु आने वाले मरीजों को उनके द्वारा इसी हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा जाता है, जिसमें उनकी पत्नी भी सहयोगी है। देखना यह है कि स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिलाधिकारी के बताए अनुसार कब तक सील किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.